बहुत ही ज़्यादा मिलनसार स्वभाव वाले, हंसमुख, कॉमेडी पसंद करने वाले, व्यंग्य करने वाले, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड, हर विषय पर गहराई की सोच रखने वाले, और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि ऐसे ही इंसान भले ही विशेषज्ञ ना हो, सर्वज्ञ अवश्य होते हैं, और ज़्यादा अधिक सोचने के कारण या बहुत अधिक दिमाग पर जोर देने के कारण कई बार थोड़ा मन भी बेचैन रहता है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मिथुन राशि वालों की। कैसा रहने वाला है जुलाई का माह, कैसा रहने वाला ही नहीं है, हर विषय पर बड़ी ही सटीक जानकारी, बारीकी से विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो फिर साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप मिथुन राशि के हैं कोई या फिर कोई आपका अपना है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और सेव अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जुलाई का माह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर साथियों, सर्वप्रथम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर स्टिक एनालाइज कराना चाहते हैं, डीप विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क कीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, कैसा रहने वाला है जुलाई का माह। सर्वप्रथम आपके कुंडली में ग्रहों की स्थापना, ग्रहों का गोचर क्या कह रहा है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लग्न घर में सूर्य और शुक्र का कंजक्शन, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठेंगे। सेकेंड हाउस में धन भाव में आपके बुध विराजमान होंगे, फोर्थ हाउस में आपके केतु, टेंथ हाउस में राहु, भाग्य भाव में शनि, इनकम घर में मंगल और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इस माह के अंदर गोचर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्रिय साथियों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में, 13 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर पर भी हम आपके हर विषय के साथ चर्चा करते रहेंगे और अंत में आपको बताएंगे इस माह के लिए वो अचूक उपाय जो ना किसी ने बताया होगा जुलाई माह के लिए और ना ही कोई आपको बताएगा मेरे साथियों। सबसे पहले हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट विषय है हेल्थ आपका। लग्नेश बनते हैं आपके बुध और बुध बैठे हुए हैं आपके सेकेंड हाउस में। हम जानते हैं कि 19 जुलाई को बुध थर्ड हाउस में आ जाएंगे, 19 जुलाई से पहले कोई डर नहीं है, उसके बाद भी थर्ड हाउस में है, डर तब भी नहीं है। हाँ, शनि से दृष्ट है तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आपको अपने भोग पर नियंत्रण करना होगा। वैसे भी मिथुन राशि के, मिथुन मतलब मैथुन भोगी, थोड़ा सा आप बड़ी चाह रखते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ के शौकीन हो जाते हैं, थोड़ा भोग ज़्यादा कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, भोग से फिर रोग आएगा। तो इसलिए अगर भोग पर नियंत्रण है तो कोई डर नहीं, किसी प्रकार के रोग की संभावना ही नहीं। बात करें आपके एजुकेशन की, मेरे साथियों आपको पता है पाँचवा घर होता है हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे शिक्षा का भाव, और पांचवें घर के स्वामी बनते हैं आपके शुक्राचार्य और शुक्र बैठे हैं आपके लग्न भाव में। पंचम भाव का स्वामी शुक्र अगर लग्न हाउस में है, सेकंड में चले जाएंगे 7 जुलाई को, फिर साथियों पंचमेश अगर लग्न में आकर बैठ जाए तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान में वृद्धि करने वाला होगा और आप अपने ज्ञान से बहुत कुछ हासिल करने वाले होंगे। सेकंड में भी जब आ जाएंगे शुक्र बुध की युति बन जाएगी, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, यानी कि ज्ञान से आप अपने धन में भी वृद्धि करेंगे। ज्ञान तो होगा ही होगा, ज्ञान तो अच्छा ही है, ज्ञान के साथ धन में भी वृद्धि करेंगे। तो मैं ऑल ओवर कहूँ तो ये माह आपकी एजुकेशन के लिए बेहतर होने वाला है। मेरे साथियों बात करूँ आपकी लव लाइफ की, लव रिलेशन की, मेरे साथियों पाँचवा घर से ही देखते हैं हम आपकी कुंडली में कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन। पांचवा घर सिर्फ ज्ञान और संतान का नहीं है, आपकी लव लाइफ का भी, और पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, शुक्र बैठे हुए लग्न में 7 जुलाई के बाद सेकंड में आ जाएंगे और बुध के साथ बड़े ही सुंदर युति बनाएंगे। लेकिन लेकिन मंगल आपको पता है कि 11th हाउस में है और 11th हाउस में बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं। 7 जुलाई से 19 जुलाई तक का जो समय है लव लाइफ के लिए ठीक है, लेकिन 7 से पहले और 19 के बाद थोड़ा सा अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई बड़ी सोच रखनी है, कोई बड़ी ट्रैवल करनी है, साथ में दोनों को मिलकर कोई यात्रा करनी है, तो उससे बचे के फंसने का, बेवजह कोई आरोप लगने का, आपस में कोई झगड़े का डर बन जाएगा। यानी 7 से 19 का जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और 7 से पहले 19 के बाद भी कोई बड़ा डर तो नहीं, बस बचना है मिसकम्युनिकेशन से, बचना है भ्रम से, बचना है एक दूसरे से आगे बढ़ने से। बात करें फिर साथियों आपकी मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ के लिए आपको पता होना चाहिए हम देखते हैं आपका 7वां घर, और 7वें घर के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि बैठे हुए हैं आपके 12th हाउस में, 12वें घर में, 7th लॉर्ड 12th हाउस में। 12वां घर मेरे साथियों हम जानते हैं एक्सपेंसेस का है, कोर्ट कचहरी का है, हॉस्पिटल का है, दवाइयों पर बेवजह खर्चों के लिए है। तो 12वें घर में अगर आपके सप्तम के लॉर्ड चले गए तो संभव है कि पार्टनर को लंबी यात्रा करनी पड़े या अपने कार्य के कारण, अपनी नौकरी बिजनेस के कारण बाहर का लंबा ट्रैवल करना पड़े, और इस कारण वो अगर आपके वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में समय ना दे पाए, ध्यान ना दे पाए,
और उसके कारण अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़े तो उस पर आपको ध्यान देना है, आर्ग्यू करने से बचना है, बेवजह बहस से बचना है, मैनेज करना है सिचुएशन को कि उस इंसान को अपने काम से बाहर जाना पड़ रहा है तो मुझे उस सिचुएशन को, उस समय को हैंडल कर लेना है, कोई डर नहीं होगा। बात करें आपके सबसे इम्पोर्टेंट विषय आपके भाग्य की, भाग्य के स्वामी शनिदेव अपने ही घर में और वक्री भी हो जाएंगे इस माह में, तो मैं कहूँ क्या, कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। जब भाग्य का स्वामी भाग्य के घर में है इस महीने में, बुध भी थर्ड हाउस में आकर के भाग्य भाव को देखेंगे, 19 जुलाई के बाद नया कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 19 से पहले भी मैं कहूँगा डर तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 19 से पहले अगर सोना है तो 19 के बाद सोने पर सुहागा है, यानी कि पूरा माह भाग्य के लिए अच्छा है। जो भी आपको कुछ भी नया करना है, कुछ भी नया एफर्ट डालना है इस समय के अंदर, कर डालिए, होगा वही जो आप चाहोगे, बस तब नहीं जब आप चाहोगे, यानी थोड़ा समय लेगा शनिदेव, लेकिन इस समय आपका भाग्य संपूर्ण आपके साथ है, तो इस समय शनि लेंगे नहीं, सिर्फ दे देंगे और वो भी बिना किसी देरी के। बात करूँ आपके करियर की, 10th लॉर्ड आपको पता है बनते देवगुरु बृहस्पति, द्वादश भाव में बैठ गए और 10th में बैठ गए या राहु, तो इस समय मैं कहूँगा कि बाहरी स्थानों से लाभ के योग बने। अगर आपको कोई कंपनी की तरफ से, अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है, उसमें आपके प्रमोशन के, तरक्की के योग बनते हैं, कोई आपको बाहरी स्थानांतरण मिलता है या बाहर जाने का आपका योग बनता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी या अपने माइंड में भ्रम पैदा नहीं करना कि मुझे नहीं जाना है, ये कारण वो कारण, जाइए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप उसको हैंडल कीजिए। इस समय के अंदर अगर आपकी माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आती भी है तो उसका आपको ध्यान रखना है, डरना नहीं है, कैरियर में परिवर्तन तो आएगा इस माह, वो प्रमोशन के रूप में हो, वो स्थानांतरण के रूप में हो, किसी भी रूप में, लेकिन चेंजिंग आएगी। और कुछ लोग कहते नहीं मेरे साथियों, चेंजिंग इज द ग्रोथ ऑफ लाइफ, कई बार बदलाव में तरक्की भी होती है। बात करें आपके बिजनेस की, 7th लॉर्ड आपको पता है बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस भाव से हम देखते हैं बिजनेस, और बैठे हुए द्वादश भाव में, व्यापार के कारक बुध 2nd हाउस में है, कहना ही क्या, धन के लिए बहुत अच्छा, डेली इनकम के लिए अच्छा, और 19 जुलाई के बाद 3rd हाउस में आ जाएंगे और बेहतर। बस हो सकता है कि 19 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़े, थोड़ा पराक्रम करना पड़े, लेकिन करेंगे तभी पाएंगे, क्योंकि आपको पता है मिथुन लगन क्या करना, तो मेरे साथियों तभी भूख पाएंगे, तो डरने वाला यहाँ भी कुछ नहीं। जान लेते मेरे साथियों उपाय कि क्या उपाय करना है। सर्वप्रथम तो गणपति जी की आराधना जो करनी ही है, और जो मैं बात कर रहा था आपको बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के उपाय के लिए, उसमें क्या करना है, आपको शिवलिंग पर सबसे पहले एक चुटकी तिल रख देने हैं, काले तिल, उसके बाद दूध और फिर जल का अभिषेक करना है, और कर पाएँ तो हनुमान जी की आराधना तो अवश्य करें, कलयुग पर राज उनका है। जानकारी कैसी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।